हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंटिन्यू करेंगे यह हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मैथड एंड स्टेप डेविएशन मैथड फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलमोस्ट फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिकॉज मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे जाओ वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन स्टेटिक्स मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ वहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे नाउ लेट स्टार्ट हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं और डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है नो लेट स्टार्ट अंडर दिस मेथड एनी फिगर इज एज्यूम्ड एज द मीन एंड डेविएशन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एज्यूम्ड मीन शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होती है उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को हम मीन एज्यूम करते हैं उसके बाद द नीड फॉर शॉर्टकट मैथड अराइजेस वेन दे आर आर लॉर्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट एर्थमेटिक मीन बाई डायरेक्ट मैथड अब शॉर्टकट मैथड की नीड क्यों पड़ी बिकॉज जब हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो काफी बड़ी होती है और डायरेक्ट मैथड से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है उस केस में हम क्या करते हैं शॉर्टकट मैथड का इस्तेमाल करते हैं ओके okay? शॉर्टकट मैथड को हम एज्यूम्ड मीन मैथड भी कहते हैं बिकॉज शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं एक मीन को हम एज्यूम करते हैं ओके okay? कोई सी भी वैल्यू को हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं ये मीन है उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करते हैं नव अब हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं नो लेट स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन लेट द ऑब्जर्वेशन बी एक्स वन एक्स टू एक्स जिस तरह से हम डायरेक्ट मेथड में ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करते थे एक्स वन एक्स टू एंड टू एन इसी तरह से हम शॉर्टकट मेथड में भी जो ऑब्जर्वेशन होती है उनको हम डिनोट करेंगे एक्स से ओके okay? उसके बाद डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज एज्यूम्ड मीन और उसको हम डिनोट करेंगे ए से हमारे पास जो गिवन आइटम्स होंगी जो गिवन वैल्यूज होंगी उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उसको हम एज्यूम करेंगे मीन और उसको हम डिनोट करेंगे ए के साथ एज्यूम्ड मीन इज जर्नली टेकन बाय डिंग टू टू दोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी हम क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसी को चूज करते हैं बट ये कोई रूल नहीं है कि आपने सेंट्रल वैल्यू ही चूज करनी है ओके okay? जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्राम एज्यूम्ड मीन हमने क्या करने है डेविएशन कैलकुलेट करनी है जो हमने मीन एज्यूम किया है ओके और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस ए यानी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी ओके उनमें से हम ए माइनस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप टेक द टोटल ऑफ डेविएशंस उसके बाद हमारे पास जो डेविएशंस आएगी उनका हमने सम टोटल करना है ठीक है डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे एक्स हमारे पास जो होती थी एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन उनका हम सम टोटल करते थे बट यहां पे हमने क्या करना है डेविएशन का सम टोटल करना है बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसके बाद फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है उनको हमने काउंट करना है ओके okay. फार्मूला क्या हमारे पास है एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए या हमारे पास हो गया एज्यूम्ड मीन और सबमिशन डी ये हो गया हमारे पास सम टोटल ऑफ डेविएशन ओके उसके बाद एन हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी हमारे पास गिवन क्वेश्चन है फॉलोइंग इज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ टेन स्टूडेंट्स हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है ओके okay? नाउ हमारे पास यहां से डेटा गिवन है हम क्या करेंगे इसको इस तरह से टेबल में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास वन से लेके टेन तक है फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी एंड सिक्स तक सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है इनमें से कोई एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे मीन ठीक है जो आपको चॉइस है वो आप कर सकते हो ज्यादा बेटर रहेगा आप मिडल वैल्यू को सिलेक्ट करो मिडल वैल्यू कैसे करेंगे सिक्सटी फाइव प्लस फिफ्टीन ठीक है ये कोई रूल नहीं है बट मैं ऐसे करता हूं सिक्सटी फाइव प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू ये हमारे पास बनेगा एट्टी एट्टी बाई टू यानी कि फोर्टी हम एज्यूम करेंगे मीन फोर्टी को यानी कि जो हमारे पास फोर्टी है इसको हम ए कंसिडर करेंगे ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है पहला स्टेप हमारे पास हो गया अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है हमने एक्स माइनस ए यानी डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं एक्स हमारे पास है फिफ्टीन सो फिफ्टीन माइनस फोर्टी हम यहां पे लिखते हैं 15 माइनस फोर्टी ठीक है तो हमारे पास कितना आएगा माइनस ट्वेंटी फाइव उसके बाद ट्वेंटी माइनस फोर्टी ट्वेंटी माइनस फोर्टी यह हमारे पास आएगा माइनस ट्वेंटी इसी तरह से नेक्स्ट कैलकुलेट करो थर्टी माइनस फोर्टी ठीक है थर्टी माइनस एज्यूम्ड मीन फोर्टी ठीक है हमारे पास आया माइनस टेन उसके बाद ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी हमारे पास आया माइनस एटीन ओके इसी तरह से ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टीन यहां हमारे पास कितना आ गया माइनस फिफ्टीन ठीक है इसी तरह से आप नीचे बाकी कैलकुलेट करो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना जो हमारे पास नेगेटिव आएंगे उनको आपने नेगेटिव साइन साथ में रखने हैं और जो आपको पॉजिटिव आएंगे उनको आपने प्लस साथ में रखने बिकॉज जब हम इसको प्लस करेंगे सबको उस टाइम आपको कोई भी मिस्टेक ना हो ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है इन सब को आपने प्लस करना है ठीक है हम लिखेंगे सबमिशन डी यहां पे आप कैसे करोगे जो हमारे पास माइनस वाले हैं ना इनको आप प्लस करो ठीक है उसके बाद इनको आप अलादा से करो उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं सबमिशन डी मेरे पास आएगा माइनस ठीक है और एन हमारे पास है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं टेन है ठीक है अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन तो हमारे पास एक्स बार ये हमारे पास है ए प्लस सबमिशन डी अपान एन ओके हमने ए एज्यूम क्या किया है फोर्टी ठीक है हमारे पास बना फोर्टी प्लस सबमिशन डी कितना है माइनस सिक्सटी अपान टेन ओके उसके बाद टेन वन 10 टेन टेन सिक्स सिक्सटी हमारे पास है फोर्टी माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू थर्टी फोर रिक्वायर्ड आंसर एक चीज आप याद रखिएगा हम कोई सा भी मेथड अप्लाई करेंगे आंसर हमेशा सेम रहता है ओके okay? आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है अगर आंसर कभी आपका चेंज हुआ तो आप यह समझिएगा आपको कहीं गलती हुई है नेक्स्ट अब हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे अप्लाई करते हैं ओके okay? यहां पे भी बिल्कुल सेम है सिर्फ एक चीज एडिशन है वो है फ्रीक्वेंसी लेट स्टार्ट विद द द फर्स्ट स्टेप डिनोट वेरिएबल एज एज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ जिस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड में किया था वैसे ही यहां पे हम जो वेरिएबल है उनको डिनोट करेंगे एक्स से और जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करेंगे हम एफ से उसके बाद डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज एज्यूम्ड मीन जिस तरह से हमने अभी किया कोई भी आइटम से हमने क्या करना है एक एज्यूमड मीन लेना है जो भी आपको अच्छा लगे उसके बाद कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एज एक्स माइनस ए उसके बाद हमने क्या करना है डेविएशन कैलकुलेट करनी है कैसे एक्स माइनस ए हमारे पास एक्स क्या है वेरिएबल्स है जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है और ए हमारे पास क्या है जो हमने मीन एज्यूम किया है उसके बाद मल्टीप्लाई द डेविएशन विथ द रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एफ उसके बाद जिस तरह से हम डायरेक्ट मेथड में करते थे f और x को मल्टीप्लाई करते थे बट यहां पे x रिप्लेस हो गया और कौन आ गया d आ गया हमने क्या करना है d और f को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है उसके बाद इनको ऐड करना है सबमिशन एफ डी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज एज सबिशन एफ उसके बाद हमारे पास जो गिवन फ्रीक्वेंसीज है उनको हम उनको हमने क्या करना है एड करना है वो हमारे पास क्या आएगा एन आएगा ठीक है तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए प्लस सबमिशन एफ डी अपान सबमिशन एफ अगर आप रिकॉल करोगे आपके पास डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला था वो क्या था सबमिशन एफ एक्स अपान सबमिशन एफ तो यहां पे एक्स की जगह पे क्या है डी है और यहां पे एडिशन जो है वो ए है यानी एज्यूम्ड मीन है बाकी बिल्कुल सेम है अब हम एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास गिवन डेटा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसीज ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है डेविएशन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम x माइनस ए से ठीक है तो अभी हमने मीन एज्यूम नहीं किया तो सबसे पहले हम a एज्यूम करेंगे तो इसमें से जो भी आपको वैल्यू अच्छी लगे वो आप एज्यूम कर सकते हो मैं जो है a थर्टी को एज्यूम करूंगा ओके यहां पे a यहां पे भी आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू थर्टी याद रखने के लिए ओके अब हमने क्या करना है x माइनस ए एक्स हमारे पास है यहां पे टेन सो टेन माइनस थर्टी तो टेन माइनस थर्टी हमारे पास कितना आया माइनस ट्वेंटी ठीक है इसी तरह से ट्वेंटी माइनस थर्टी हमारे पास माइनस टेन इसी तरह से थर्टी माइनस थर्टी वो जीरो आ जाएगा उसके बाद फोर्टी माइनस थर्टी यह हमारे पास आएगा प्लस टेन साथ में रखना है प्लस ठीक है यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी रकम है फोर्टी है इसके साथ प्लस है तो यहां पे भी प्लस ही आएगा उसके बाद फिफ्टी माइनस थर्टी पास आएगा प्लस ट्वेंटी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको मल्टीप्लाई करना है डेविएशन से यानी फोर्टी मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेंटी यह हमारे पास माइनस एटी आ गया ओके इसी तरह से फाइव मल्टीप्लाई माइनस टेन माइनस फिफ्टी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा ठीक है उसके बाद टू मल्टीप्लाई बाय प्लस टेन तो हमारे पास आया प्लस ट्वेंटी ओके इसी तरह से फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी तो हमारे पास आ गया प्लस हंड्रेड ओके अब अब क्या करोगे इन दो को प्लस करोगे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वह माइनस में आएगी और उन दो को प्लस करेगी हमारे पास वैल्यू प्लस में आएगी ठीक है उसके बाद अब यहां पे इसको टोटल कर सकते हो समीशन एफ डी तो समीशन एफ डी हमारे पास कितना आएगा इसको हम प्लस कर ही लेते हैं ये हमारे पास माइनस वन थर्टी है और ये हमारे पास वन ट्वेंटी है अब इन दो को माइनस करो हमारे पास टेन यहां पे आ गया ओके उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है इनको भी प्लस करो तो हमारे पास ये कितनी है यह हमारे पास है नाइनटीन समीशन एफ सॉरी विच इक्वल टू नाइन नौ मैथड हमारे पास क्या है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ ठीक है तो ए हमने एज्यूम किया है फोर्टी ठीक है सॉरी फोर्टी नहीं थर्टी थर्टी प्लस समीशन एफ डी हमारे पास है टेन But ये माइनस टेन आएगा ओके बिकॉज यहां पे वैल्यू माइनस वन थर्टी है ओके okay? तो ऐसे उसके बाद F, 19 है। Now, अब आप टेन को डिवाइड करो नाइनटीन से ओके okay? उसके बाद इसको थर्टी से माइनस करो तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं हमारे पास आएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर सेवन विच इज द रिक्वायर्ड आंसर तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में नव अब हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड को हम किस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई करते हैं नव सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व किया उसी तरह से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को भी सॉल्व करते हैं ठीक है तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोट इट बाय एम सबसे पहले हमने क्या करना है जो हमारे पास गिवन क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकालना है जिस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है अगर हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है जैसे जीरो से टेन ठीक है इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू ठीक है यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय Two, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आएगा ओके उसके बाद सेम स्टेप है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया डिसाइड एनी वन मिड पॉइंट एज एज्यूमड मीन उसके बाद हमारे पास जो मिड पॉइंट बनेंगे उन मिड पॉइंट में से किसी एक को हमने एज्यूमड मीन एज्यूम करना है उसके बाद कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम दूमड मीन उसके बाद हमने क्या करना है डेविएशन कैलकुलेट करना है कहां से मिड पॉइंट में से ठीक है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई द डेविएशन डी विद द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी उसके बाद जो हमारे पास डेविएशन आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ एंड ऑबटेन द टोटल सबमिशन एफ डी और हमारे पास क्या आएगा सबमिशन एफ डी सेम बिल्कुल जिस तरह से हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज में किया उसके बाद फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज उसके बाद हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज क्या है यानी सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उनको हमने क्या करना है एड करना है ठीक है तो यहां पे भी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ ओके अब हम एक सिंपल एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा नव हमारे पास डेटा गिवन है हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ओके नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू ओके नाउ जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो हमारे पास कितना बनेगा फाइव इसी तरह से यहां पे भी हमारे पास आएगा टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी सो थर्टी डिवाइडेड बाय टू हमारे पास आएगा फिफ्टीन इसी तरह से ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय टू हमारे पास कितना बनेगा फिफ्टी बाय टू सो ट्वेंटी फाइव इसी तरह से थर्टी प्लस फोर्टी सेवेंटी बाय टू हमारे पास थर्टी फाइव इसी तरह से नाइन्टी बाई टू हमारे पास बनेगा फोर्टी फाइव ओके हमारे पास मिड पॉइंट कैलकुलेट हो गई अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास मिड पॉइंट निकले इन्हीं में से हमने कोई एक एज्यूम्ड मीन करना है ठीक है तो हम कोई सा भी ले सकते हैं मैं यहां पे लूंगा ट्वेंटी फाइव आपको अपनी चॉइस है आप कोई सा भी ले सकते हो ठीक है तो मैं यहां पे लिखता हूं ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट माइनस ए ठीक है यानी कि फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हमारे पास कितना बनेगा माइनस ट्वेंटी इसी तरह से फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव हमारे पास बनेगा माइनस टेन इसी तरह से ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हमारे पास आएगा जीरो यहां पे थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हमारे पास प्लस टेन इसी तरह से फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो हमारे पास कितना बनेगा प्लस ट्वेंटी ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन ठीक है यानी माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी हमारे पास कितना बनेगा माइनस फोर हंड्रेड ठीक है इसी तरह से आप आगे भी कैलकुलेट करो ट्वेंटी फोर इंटू माइनस टेन ठीक है तो हमारे पास कितना बनेगा माइनस टू फोर्टी इसी तरह से फोर्टी मल्टीप्लाई बाई जीरो तो हमारे पास जीरो ठीक है उसके बाद थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन हमारे पास प्लस थ्री सिक्सटी ओके एंड देन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी हमारे पास प्लस फोर हंड्रेड ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने इनको प्लस करना है तो आप पहले माइनस वाले प्लस करो ठीक है फिर यहां पे प्लस करो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं हमारे पास सबमिशन एफ डी यह हमारे पास आता है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं सबमिशन ऑफ एफ यह हमारे पास कितनी आती है वन हंड्रेड एंड फोर्टी ठीक है अब हम इसको फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी अपान समीशन एफ ठीक है तो हमारे पास ए क्या है एज्यूम हमने किया है मीन ट्वेंटी फाइव ठीक है हम लिखेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस समीशन एफ डी हमारे पास आया वन ट्वेंटी सो वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है वन फोर्टी ठीक है तो यह हमारे पास बनेगा ट्वेंटी फाइव प्लस इसको आप डिवाइड करो हमारे पास बनेगा जीरो पॉइंट एट सिक्स यानी कि ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट सिक्स विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तो यह हमारे पास था मैथड किस तरह से हम शॉर्टकट मैथड कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई करते हैं अब हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मैथड स्टेप डेविएशन मेथड सुपर शॉर्टकट मेथड है सबसे पहले मेथड हमारे पास डायरेक्ट मेथड है अगर हमारे पास वैल्यूज बहुत बड़ी है तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे स्टेप डेविएशन मेथड। बिकॉज जब हमारे पास वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी होती है तो उनको हम बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मैथड नव स्टेप डेविएशन मैथड में क्या होता है इन दिस मैथड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन आर डिवाइडेड बाई अ कॉमन फैक्टर सी टू गेट स्टेप डेविएशन नव जिस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड में डेवियशन कैलकुलेट की बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने स्टेप डेविएशन में भी करनी है यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा चीज देनी है विच इज कॉमन फैक्टर जो हमने डेवियेशन कैलकुलेट की है वहां से हमने कॉमन फैक्टर निकालना है कॉमन फैक्टर जैसे हमारे पास गिवन सीरीज है टू फोर सिक्स एंड एट ठीक है हमने देखना है इन पॉसिबल वैल्यूज में कोई ऐसा नंबर जो सबको फुली डिवाइड करता है ठीक है जिस तरह से हमारे पास यहां पे टू कॉमन फैक्टर है टू फोर को भी डिवाइड करता है सिक्स को भी एट को भी फुली डिवाइड करना चाहिए पॉइंट में हमारे पास आंसर नहीं आना चाहिए ठीक है देन दीज स्टेप डेविएशन आर यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन उसके बाद हम जो स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं आगे फिर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए नव सबसे पहले हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे अप्लाई करेंगे लेट द ऑब्जर्वेशन बी एक्स वन एक्स टू एक्स एन जिस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड किया बिल्कुल सेम पैटर्न यहां पे भी फॉलो होगा सिर्फ एक स्टेप एडिशन होगा उसके बाद डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज एज्यूमड मीन जिस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड में एक वैल्यू को हम एज्यूम करते थे मीन बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमने करना है नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट डी ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द दूमड मीन बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करना, करना, करना है जो मीन हमने एज्यूम किया है उसके बाद जो हमारे पास एडिशनल स्टेप है वो अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम डी एंड कैलकुलेट स्टेप डेविएशन डी बाई सी उसके बाद हमने क्या करना है जो हमने थर्ड स्टेप में डेविएशन कैलकुलेट की उसको हमने क्या करना है उनमें से कोई कॉमन फैक्टर देखना है ठीक है यूजली जो कॉमन फैक्टर होता है वो सबसे लोवेस्ट टर्म होती है जीरो के बाद ठीक है अगर आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो आप ये वाला स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो फिर आप क्या करोगे शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करोगे आपने स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करनी है कैसे जो आपने डेविएशन कैलकुलेट की है उसको आप डिवाइड करोगे उसी कॉमन फैक्टर के साथ उसके बाद टेक द सम टोटल ऑफ डी डैश उसके बाद आपने जो स्टेप डेविएशन कैलकुलेट की उसका आपने सम टोटल करना है जिस तरह से आप अभी हमने शॉर्टकट मेथड में किया हम डेविएशन का सम uh, टोटल करते थे बट यहां पे हमने स्टेप डेविएशन का सम टोटल करना है बाकी सेम है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स उसके बाद हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है उसको हमने उसी तरह से कैलकुलेट करना है तो यहां पे हमारे पास फार्मूला क्या है x' a सबमिशन d' ओके अपॉन okay? n c जो फैक्टर हमने कॉमन निकाला था उसको डिवाइड किया था उसी से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है तो ये हमारे पास निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए अर्थमेटिक मीन ठीक है यहां पे हमारे पास एक्स डैश क्या है अर्थमेटिक मीन है ए हमारे पास एज्यूम्ड मीन है उसके बाद डी डैश हमारे पास क्या है डेविएशन डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर या आप इसको सिंपली लिख सकते हो एक्स माइनस ए अपॉन सी बिकॉज जो डी होता है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए के उसके बाद सी हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर एंड एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा हो जाएगा। हमने compute करना है arithmetic mean, और हमारे पास जो वैल्यूज है वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज है अगर इसको आप डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से करोगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी अब आप देखोगे स्टेप डेविएशन मेथड में कितने इजी तरीके से होता है नाउ सबसे पहला काम हमारे पास क्या है जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है या हमारे पास एक्स है इनमें से हमने कोई मीन एज्यूम करना है कोई सा भी तो मैंने यहां पे क्या किया है साउजेंड को मैंने किया है है ठीक तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे पर ठीक है यहां पे भी मैंने इसको लिखा है उसके बाद हमने डेविएशन कैलकुलेट करनी है जिस तरह से हमने अभी शॉर्टकट मेथड में की कैसे करते हैं एक्स माइनस ए यानी फिफ्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो हमारे पास जीरो फिफ्टी थाउजेंड माइनस 60,000 ठीक है सॉरी उसके बाद फोर्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड ओके इसी तरह से 70, 50, 000, हमारे पास प्लस ट्वेंटी थाउजेंड इसी तरह से एट्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड हमारे पास कितना है प्लस थर्टी थाउजेंड इसी तरह से ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड इसी तरह से आप नीचे की तरफ कैलकुलेट करोगे ओके अब आपने क्या करना है जो हमारे पास एडिशनल स्टेप है हमने हमारे पास जो गिवन डेविएशन आ गई इनमें से कोई एक कॉमन फैक्टर निकालना है कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढोगे आप जीरो के बाद जो छोटी वैल्यू होगी उसको आपने देखना है तो यहां पर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू पहले जीरो है इसको आपने नहीं देखना है उसके बाद हमारे पास है टेन थाउजेंड ठीक है प्लस वाली या माइनस वाली दोनों एक ही है आपने प्लस माइनस का यहां पे कोई भी नहीं रखना है ठीक है तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा टेन थाउजेंड बिकॉज टेन थाउजेंड सबको डिवाइड कर रहा है बिल्कुल अच्छे से फुली तरीके से ठीक है तो हम क्या करेंगे अब हम डेविएशन को डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर के साथ ठीक है तो सी हम क्या लेंगे मैं यहां पर लिखता हूं सी हमारे पास मिल गया टेन थाउजेंड ठीक है ओके अब देखो जब जीरो को आप डिवाइड करोगे टेन थाउजेंड से तो आपके पास आंसर आएगा जीरो आएगा ओके उसके बाद टेन थाउजेंड को डिवाइड करोगे टेन थाउजेंड से हमारे पास आंसर आएगा वन ओके इसी तरह से यहां पे हमारे पास आएगा माइनस वन फिर ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड हमारे पास आएगा प्लस टू थर्टी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड सॉरी थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड हमारे पास आएगा प्लस थ्री यहां पर हमारे पास आएगा माइनस थ्री फोर्टी थाउजेंड को जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस फोर माइनस ट्वेंटी थाउजेंड को माइनस टू प्लस फोर यहां पे प्लस फाइव ठीक है अब आपने क्या करना है जो आपके पास स्टेप डेविएशन आ गई उसका आपने साम टोटल करना है यानी सबमिशन ऑफ डी डैश या हमारे पास क्या है डी डैश है ओके अब देखो यहां पे हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज है उनका पहले प्लस करो ताकि वहां से आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है उनको मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं हमारे पास आता है सबमिशन डी डैश फाइव ठीक है ओके नाउ अब हम देखते हैं फार्मूला तो फॉर्मूले हमारे पास क्या है एक्स डैश इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन डी डैश अपान एन एन टू सी ठीक है हमने जो है एज्यूम्ड मीन एज्यूम क्या किया है फिफ्टी थाउजेंड ओके तो हम यहां पे लिखेंगे फिफ्टी थाउजेंड प्लस सबमिशन डी डैश अभी हमारे पास निकला फाइव अपान एन टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमारे पास टेन है हम लिखेंगे टेन इंटू सी सी हमने क्या एज्यूम किया था सी हमारे पास सॉरी सी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया था वो हमारे पास आया था टेन थाउजेंड ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई करो आप फाइव 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 टू हजार टेन ठीक है टू वन साइव थाउजेंड टू हजार टेन थाउजेंड ठीक है अब इसको और इसको प्लस करो तो हमारे पास बनेगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इसी क्वेश्चन को आ, आप अगर डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से करते तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन होती वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती बट यहां पे आपने देखा बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकल गया तो जब भी आपके पास वैल्यूज बड़ी बड़ी हूं तो वहां पर आप कौन सा मैथड अप्लाई करोगे स्टेप डेविएशन मैथड नव अब हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द फर्स्ट थ्री स्टेप सेम एज इन शॉर्टकट मैथड हमारे पास जो फर्स्ट थ्री स्टेप है शॉर्टकट मैथड में हमने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने हैं यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट थ्री स्टेप है यानी डिनोट दिएबल एज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एज एफ ओके उसके बाद हमने एक मीन एज्यूम करना है उसके बाद हमने डेविएशन कैलकुलेट करनी है x माइनस ए ये तीन स्टेप हमारे पास बिल्कुल सेम है जो शॉर्टकट मेथड में थे ओके okay? उसके बाद जो हमारे पास एडिशनल स्टेप है फाइंड आउट अ कॉमन फैक्टर सी फ्रॉम डी कैलकुलेट स्टेप डेविएशन डी डैश उसके बाद जिस तरह से हमने अभी कैलकुलेट किया हमने क्या करना है एक कॉमन फैक्टर निकालना है डेविएशन में से ठीक है उसके बाद हमने स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करनी है वो कैसे कहे डी अपॉन सी सी हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर है फ्रॉम डेविएशन डी उसके बाद मल्टीप्लाई स्टेप डेविएशन विद फ्रीक्वेंसीज़ उसके बाद हमने क्या करना है जो हमारे पास स्टेप डेविएशन निकला उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी एफ के साथ ठीक है और उसके बाद उनका हमने साउंड टोटल करना है एंड फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज उसके बाद हमने देखना है टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या आएगा ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश अपॉन सबमिशन एफ इन सी अभी हमने जो शॉर्टकट मेथड किया वहां पे हमारे पास क्या था एफ डी था और यहां पे हमारे पास क्या है डी डैश इन टू सी है बस ये हमारे पास यहां पे एडिशनल थिंग है बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है ओके okay? अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे पास वेजेस गिवन है ओके okay? उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है नौ सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है जो हमारे पास वेजेस गिवन है यानी कि जो हमारे पास आइटम्स गिवन है उनमें से हमने क्या करना है एक मीन एज्यूम करना है तो मैंने यहां पे क्या किया थर्टी को एज्यूम किया मीन आपको अगर अच्छा लगे आप टेन से भी करो उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच करो और देखो क्या आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे हमने डेविएशन कैलकुलेट करनी है डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस एज्यूमड मीन ठीक है तो यहां पे मैंने कैलकुलेट की है यानी कि टेन माइनस थर्टी तो माइनस ट्वेंटी ओके उसके बाद ट्वेंटी माइनस थर्टी तो माइनस टेन उसके बाद थर्टी माइनस थर्टी तो जीरो ठीक है उसके बाद फोर्टी माइनस थर्टी तो प्लस टेन देन फिफ्टी माइनस थर्टी हमारे पास प्लस ट्वेंटी आ गया तो ये हमारे पास होगी डेविएशन अब जो हमारे पास एडिशनल स्टेप यहां पर है हमने क्या करना है जो हमारे पास डेविएशन आई इसमें से हमने देखना है कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे हम सबसे स्मॉलेस्ट टर्म जीरो से बड़ी तो हमारे पास है टेन माइनस टेन प्लस टेन दोनों में से कोई एक ले दो ठीक है तो मैं प्लस टेन को लेता हूं तो इसका मतलब हमारे पास जो सी है वो आ गया टेन सी हमारे पास आ गया आपने चेक भी करना है क्या सी सबको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है देखो सी ट्वेंटी को भी डिवाइड करेगा तो टेन को भी डिवाइड करेगा ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे अब हम स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं डी को डिवाइड करते हैं सी के साथ यानी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन तो माइनस टू यहां पर माइनस वन जीरो तो जीरो यहां पर हमारे पास प्लस वन और यहां पर भी प्लस टू ओके okay. अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को सॉरी स्टेप डेविएशन को मल्टीप्लाई यानी फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस टू फोर टू जर एट माइनस एट उसके बाद फाइव मल्टीप्लाई बाई माइनस वन तो माइनस फाइव जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो टू वन ऑर टू प्लस टू ठीक है फाइव टू जार टेन प्लस टेन ठीक है अब आप इसको सम करो सबमिशन एफ डी डैश ठीक है तो हमारे पास कितना बनता है ये तो ये हमारे पास आएगा माइनस वन बिकॉज एट प्लस फाइव हमारे पास होता है माइनस थर्टीन और ये बनेगा ट्वेल्व सो माइनस थर्टीन प्लस ट्वेल्व हमारे पास बनेगा माइनस वन ओके उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का भी हम सबमिशन करेंगे सबमिशन एफ तो ये हमारे पास बनेगा नाइनटीन ठीक है अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपान समीशन एफ इन सी ठीक है तो हमारे पास क्या बनेगा ए हमने क्या एज्यूम किया है थर्टी उसके बाद यहां पे माइनस वन है तो माइनस वन अपान समीशन एफ हमारे पास है नाइनटीन ठीक है इन c सी सी हमारे पास क्या है टेन ठीक है तो अब आप क्या करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो थर्टी माइनस टेन अपॉन नाइनटीन ठीक है इसको आप डिवाइड करो तो ये हमारे पास बनेगा थर्टी माइनस जीरो पॉइंट फाइव थ्री हमारे पास आएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर सेवन विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इसी क्वेश्चन को हमने किया था शॉर्टकट मेथड से वहां पे भी यही आंसर आया था और इसको हमने किया जब स्टेप डेविएशन मेथड से तो यहां पे भी वही आंसर आया सिर्फ आपने यहां पे देखा हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो और भी ज्यादा इजी हो गई नाउ अब हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं आप सब को पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल आपने क्या करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज को अपने कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज में उसके बाद जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविशन मेथड अप्लाई किया बिल्कुल सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने फर्स्ट फॉलो अप टू थर्ड स्टेप इन शॉर्टकट मैथड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज जिस तरह से हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में किया था सबसे पहले हमने कंटिन्यूसरीज में मिड पॉइंट निकाला उसके बाद हमने मिड पॉइंट में से एज्यूम डोमिन किया उसके बाद हम जिस तरह से अभी डिस्क्रिक सीरीज में किया बिल्कुल सेम पैटर्न हमने फॉलो करना है फाइंड आउट अ कॉमन फैक्टर सी फ्रॉम डी एंड कैलकुलेट स्टेप डेविएशन मेथड विच इज डी बाई सी उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और जो हमने डेविएशन कैलकुलेट की है डी उसको हमने डिवाइड करना है उस सी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टेप डेविएशन आ जाएगा उसके बाद मल्टीप्लाई स्टेप डेविएशन विद फ्रीक्वेंसीज उसके बाद हमने क्या करना है स्टेप डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है एफ से एंड टोटल ऑप्टेंट करना है सबमिशन एफ डी डैश उसके बाद फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज उसके बाद हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ आइटम सीरीज में कितनी है यानी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है उनको हमने एड करना है उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला आएगा बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सेम है जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट किया था ए हमारे पास एज्यूम्ड मीन है प्लस सबमिशन एफ डी डैश अपन सबमिशन एफ इन सी सी हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर है ओके अब हम यहां पे भी एक सिंपल एग्जांपल से इसको हम समझेंगे हमारे पास गिवन डेटा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ओके उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज सबसे पहले हम क्या करेंगे मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो मिड पॉइंट हम कैसे करते हैं जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू हमारे पास फाइव इसी तरह से यहां पे एंड ओके okay? इसको हमने अभी किया था डिस्क्रीट सीरीज में जब हमने शॉर्टकट मेथड सीखा था उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे डेविएशन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो मिड पॉइंट है इसमें से कोई एक वैल्यू हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे मीन तो मैंने यहां पर ट्वेंटी फाइव एज्यूम किया है ठीक है ओके okay. अब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं डेविएशन कैसे करेंगे एक्स माइनस ए सॉरी यहां पे एक्स नहीं है बल्कि एम है एम माइनस ए यानी मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन ठीक है देखो फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हमारे पास क्या आएगा माइनस ट्वेंटी ओके okay, इसी तरह से फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव तो माइनस टेन फिर ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो इसी तरह से यहां पे भी आप कैलकुलेट करके प्लस टेन एंड प्लस ट्वेंटी लिखोगे अब हमारे पास जो एडिशनल स्टेप यहां पे है वो हमारे पास है डी डैश हमने कैलकुलेट करना है डी डैश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास डेविएशन है इसमें हमने देखना है कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे जो हमारे पास सबसे छोटी टर्म है यानी टेन है इसको हम देखेंगे क्या ये कॉमन फैक्टर है या नहीं है तो बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट है ओके अगर आपको यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा उस केस में आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो ठीक है फिर आप क्या करोगे शॉर्टकट मेथड से ही काम चलाओगे ओके अब देखो हम क्या करेंगे टेन डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो यहां पर हमारे पास माइनस टू यहां पर माइनस वन यहां पर जीरो यहां पर प्लस वन एंड प्लस टू ओके उसके बाद आपने क्या करना है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्टेप डेविएशन यानी ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय माइनस टू हमारे पास कितना आएगा माइनस फोर्टी ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय वन माइनस ट्वेंटी फोर जीरो का जीरो थर्टी सिक्स इंटू वन थर्टी सिक्स प्लस वाला है ये ठीक है फिर ट्वेंटी इंटू टू प्लस फोर्टी ओके okay? यहां पे आप कैलकुलेट करो समीशन एफ डी डैश ठीक है तो ये हमारे पास आएगा ट्वेल्व ओके okay? और यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी है वन फोर्टी है अब हमारे पास जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल इज इक्वल टू ए प्लस समिशन एफ डी डैश अपॉन समिशन एफ इन टू सी ठीक है तो मीन हमने एज्यूम किया है ट्वेंटी फाइव प्लस समिशन एफ डी डैश यहां से हमारा निकल गया ट्वेल्व अपॉन वन फोर्टी इंटू सी कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था टेन ओके okay? अब हम इसको सिंपलीफाई आराम से कर सकते हैं मेरे पास आंसर आता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट सिक्स विच इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन तो इस तरह से हम स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज में एंड इंडिविजुअल सीरीज में होप यू गाइज अंडरस्टैंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग